हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, मैं आपको बता दूँ, आज आप देख सकते हैं रेनो सेवन फाइव जी। इसकी हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग गाइस। इसमें हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट लुक कैसा है और ये कैसा दिखता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और इसमें क्या क्या इसके साथ आता है, और फुल और फुल डिटेल के साथ ये वीडियो में देने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप ज़रूर देखिएगा। इसके सारे फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे रेनो सेवन फाइव जी हमारे पास एक मॉडल है, जो कि अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं गाइस कि कैसा दिखता है और उसके क्या फीचर्स है और उसके कैमरे और इसकी बिल्ड क्वालिटी को सारा हम यहां पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं, फटाक से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने ही हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको अनबॉक्सिंग। मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद अब इसको हम निकाल लेते हैं गाइस। ये देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको साइड रख देता हूँ। अब साइड रखने के बाद ये इस तरीके का लुक और काफ़ी मतलब अभी तक तो बहुत अच्छा दिख रहा है गाइस। आगे चल के देखते हैं कि इसमें और भी क्या खास हो सकती है। जो इसका वेरिएंट है वो 8256 है और देखेंगे इसमें और क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं गाइस। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। मैंने उल्टा ओपन कर लिया, ये देखिए हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं और इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसके कवर्स में क्या है। तो इसमें होगा आपका मैनुअल कार्ड और इसमें होगा आपका कवर। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है गाइस सिम इंजेक्टर मिल जाता है आपको, यहाँ पे एक सिम इंजेक्टर मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको मैनुअल मिल जाता है, वारंटी कार्ड्स मिल जाती है यहाँ पे, जैसा कि आप वहाँ पे देख सकते हो। और उसका कवर कवर भी बहुत अच्छा है गाइस, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट कवर है, साइड से भी लुक बहुत अच्छा दिखने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके कवर्स के बारे में। तो चलिए इसको भी हम कर देते हैं फिलहाल साइड, यहाँ पर इसको कर देते हैं साइड गाइस। अब आते हैं अपने सेट के बारे में। तो अभी तो फ़िलहाल सेट को भी साइड रखते हैं, बाकी बहुत ही स्लिम और अभी तक तो हमने इसको देखा खोला नहीं है। और देखते हैं गाइस कि इसका कैमरा आप देख सकते हो, मतलब एक अलग टाइप का ही लुक दिखाई दे रहा है। तो अभी देखेंगे, फ़िलहाल इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं अभी साइड और देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। बॉक्स के अंदर आपको देख सकते हैं यहाँ पर चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं चार्जर, 65 वाट का चार्जर, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाने की अगर कोशिश करूँ तो 65 वाट का आपको चार्जर मिल जाता है। समथिंग 40 से 45 मिनट में ये आपको फुल चार्ज कर देगा। तो देख सकते हैं 65 वाट का यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है ओप्पो की तरफ से। इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे साइड। और फिर आपको मिल जाता है गाइस सी टाइप डाटा केबल, आपको यहाँ देखने को मिल जाता है सी टाइप डाटा केबल। उसके बाद कोई भी हेडफोन या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं है, बाकी ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे साइड। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्जर है, ये आपका डाटा केबल है और आपका ये कवर्स मिल जाते हैं और आपका फ़ोन। तो चलिए यहाँ पे भी हम इसको ऐसा करके साइड रख देते हैं। अब फ़ोन की बारी आती है, फ़ोन में देखते हैं गाइस कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो चलिए फटाफट इसको हम करते हैं ओपन। ये इसको हमने कर लिया गाइस, ये इसका जो लुक लुक देखेंगे गाइस, ये इसका फ्रंट लुक है। अभी मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो इसका ये जो फर्स्ट लुक, मतलब बहुत ही स्लिम अगर मैं इसकी साइड से बात करूँ, और बहुत ही स्लिम है गाइस अगर इधर से बात करूँ तो भी बहुत स्लिम है अगर मैं साइड से बात करूँ। तो यहाँ पे एक आपको पावर बटन मिल जाती है, आपको यहाँ पे जैक मिल जाता है, चार्जिंग पिन मिल जाती है, यहाँ पे स्पीकर्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे। मैं धीरे धीरे टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, तो ये अनबॉक्सिंग के भी वीडियोस कुछ आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो ये देख सकते हैं ओप्पो इसका जो क्वालिटी है बहुत ही, मतलब लुक जो है इसका बहुत ही बेहतरीन टाइप का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 64। अभी मैं बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ अभी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो फिलहाल चलिए फ़ोन को ओपन करते हैं और इसका लुक देखते हैं गाइस। तो इस फ़ोन को हमने पावर की प्रेस किया, ये देख सकते हैं, और ओप्पो पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो ये थोड़ा सा चालू होता है, तब तक हम गाइस इसके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है, इसकी कैमरे की क्वालिटी और सारा कुछ यहाँ पे अभी हम देखेंगे, चेक करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा आपका बहुत ही, ये सेकंड बूट पे चला गया है यहाँ पे।
कलर्स ओएस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो देख सकते हैं हेलो स्क्रीन आ चुकी है गाइस, और मतलब अलग ही मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। ये फर्स्ट लुक है आपके सामने, हमने यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग की है। ज़्यादा वेट भी नहीं है और लाइट वेटेड है, और स्लिम की बात करें तो स्लिम बहुत है गाइस, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ। तो चलिए, तो फटाफट है, छोटा सा ही है, इसको तो हम स्किप भी कर सकते हैं। बाकी आप नए यूज़र हैं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग्स को सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर दूंगा और फटाफट इसको मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे एग्रीमेंट क्लियर कर देंगे, यहाँ पे अभी फ़िलहाल कर देंगे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पे मोर मोर एक्सेप्ट, और यहाँ पे भी स्किप कर देंगे फ़िलहाल। और आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे बटन्स के बारे में शो कर रहा है, तो फ़िलहाल हमें ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे भी अभी स्किप कर देंगे और यहाँ पे इसको डन कर देंगे, और वेलकम स्क्रीन आ चुकी है गाइस। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो वाह, इसकी जो अमेजिंग है, बहुत इसका जो लुक है बहुत अमेजिंग है गाइस। और टच की रिस्पॉन्स की बात करें तो टच रिस्पॉन्स भी बहुत बहुत फास्ट है, बहुत टच फास्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं गेमिंग के लिए, और ये रेनो 7 5G, आप देख सकते हो यहाँ पे रेनो 7 5G की ये है अनबॉक्सिंग, और इसका जो टच रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा है गाइस। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सारा चीज़ प्रैक्टिकल तौर से यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो गाइस इसका जो क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी जो साइड प्रीमियम क्वालिटी है, बॉडी बॉडी की क्वालिटी है, बैक पैनल की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। कैमरा का लुक तो बहुत ही ऑसम टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से हमने दिखा दिया। तो एक बार आपके सामने कैमरा भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैमरे में क्या क्वालिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैमरा क्वालिटी मैं बताऊँगा कि आपको देख सकते हैं क्या यहाँ पे जूम, अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लियर कट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गाइस। ये देख सकते हैं कैमरे का जो इसका लेंस है वो काफ़ी गजब है, 18 मेगापिक्सल। इसकी फुल अगर हम बात करें तो 20 मेगापिक्सल जूम है, आपको यहाँ पे दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इसका जो फोटो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कलर देख सकते हैं, कोई भी फैट नहीं है, जो भी रियल कलर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी ये जो फ़ोन है, अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो बाकी कैमरा जैसे हमने देखा गाइस बहुत ही स्मूथ, और टच रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है यहाँ पे सारी चीज़ें। और बाकी जो अभी तक का ये फ़ोन है रेनो 7, ये जो सीरीज है रेनो का बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं, अभी फ़िलहाल इसको रख देते हैं साइड में रख देते हैं, और इसके हम आपके बता देते हैं सारा सब कुछ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं डिटेल करने की कोशिश करूँगा गाइस, कि यहाँ पे अगर मैं बता दूँ इसकी कैमरे की अगर बात करूँ तो इसका कैमरा जो है गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेन जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। इसका जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का है, फिर 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा जो है इसका 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। और यहाँ पे अगर इसकी साइज़ की बात करें तो 16.33 सेंटीमीटर्स की है। इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो इसकी है 16.33 इंचेस का इसका डिस्प्ले आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो 4500 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिल जाती है गाइस। तो ओवरऑल ये सारा कुछ यहाँ पे आपका यहाँ पे मेंशन होता है। फिलहाल मैं और डिटेल के साथ, इसका 65 वाट का चार्जर मिल जाता है जिससे आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। इसके मैं कुछ फ़ोटोज़ भी आपको भी शेयर कर दूंगा, इसकी कुछ फ़ोटोज़ भी अभी मैं आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखाऊंगा, मतलब अपने वीडियो के एंड में आपको दिख जाएंगे गाइस कि इसकी जो फ़ोटोज़ क्वालिटी है वो कैसी है। फ्रंट और बैक दोनों की मैं फ़ोटोज़ आपके सामने इस वीडियो में शेयर करूंगा। बाकी इसका जो लुक मुझे लगा बहुत ही अच्छा है, साइड में कैमरा आ जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो क्वालिटी है, कर्व है, इसका जो कर्वनेस है बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट लगा मुझे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।